नाजरीन हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके शुक्रिया रब कायन ने जहां जहाँ लातादाद ख़ूबसूरत मखलूक पैदा फरमाईं वहां तितली को भी पैदा फरमाया जो कि ख़ूबसूरती का एक हसीन नमूना है तितली एक ख़ूबसूरत कीड़ा है जो कि बहुत नाजुक होता है और इसकी उम्र बहुत मुख्तर होती है तितली का वजन गुलाब की दो पंखड़ियों से भी कम होता है इसकी खूबसूरती की वजह इसके खूबसूरत पर हैं जो खुदा की तख्लीक का हसीन तरीन नमूना है इसके परों में रंग का इम्तज़ाज और तशाकुल अकल इंसान को हैरान कर देती है तितली के पूरे वजूद पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि तितली की हर चीज़ मुकम्मल और खूबसूरत है इसके ख़ूबसूरत वजूद पर अल्लाह ने हुसन रखा है देखने को तितली एक पितंगा है मगर हुसन के हिसाब से इसका कोई सानी नहीं बागीचों में उड़ती फिरती और फूलों के गर्द मंडलाती हुई तितलियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं बाहर के मौसम में इनकी तादाद में इजाफ़ा हो जाता है बचपन से लेकर आज तक हर बच्चे की ज़ुबान पर एक ही नज़म सुनते आ रहे हैं तितली हूँ मैं तितली हूँ फूलों से मैं निकली हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे जब अपनी तोतली ज़ुबान में ये नज़म पढ़ते हैं तो यकीन जानिए इन पर बहुत प्यार आता है आज ये नजम बच्चों के निसाब में शामिल है तितली पर बहुत सी नज़में और कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं और शायर हज़रा ने भी अपनी शायरी में तितली की खूबसूरती का ज़िक्र किया है नज्मों और कहानियों में तितलियाँ अलामत थीं। तितली की खूबसूरती की वजह से बच्चे और बड़े सब तितली को बहुत पसंद करते हैं फूलों के गर्द मंडराती तितलियों को पकड़ना और फिर उनको किताब में बंद और कमरे में क़ैद कर लेना तकरीबन हर एक का दिलचस्प मशगला रहा है बच्चे तितली को देखते ही पागल से हो जाते हैं और तितली को पकड़ने के लिए दीवाना वार उसके पीछे भागते नज़र आते हैं और तितली के पकड़े जाने पर बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला ने तितलियों की हज़ारों नस्लें पैदा फरमाई हैं जो कि खूबसूरती के हिसाब से एक से बढ़कर एक है वक्त गुज़रने के साथ साथ ये बात भी नोट की गई है कि अब तितलियों की तादाद कम होती जा रही है और अब तो कहीं कहीं तितली देखने को मिलती है अगर ये कहा जाए कि तितली अब कहानी बनती जा रही है तो गलत ना होगा जहाँ एक तरफ़ हमारे इर्द गिर्द माहौल में तितलियाँ कम नज़र आने लगी हैं वहीं दूसरी तरफ इससे वाबस्त बहुत सी रोमान परवर और दिलनशी रिवायतें भी ख़त्म होती जा रही हैं अब खुली फिज़ा में ओरिजिनल तितलियाँ कम जबकि मार्केट में मसनू तितलियों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है जो एक बहुत ही परेशानी वाली बात है तितलियों की तादाद कम और ख़त्म होने की वजूहत पर रोशनी डाली जाए तो पता चलेगा कि मुल्क में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूगी जगह जगह खेतों और जंगलों में लगी हुई आग बड़ी तादाद में दरख्तों और पौधों की कटाई और खेत खलियान और बागीचे ख़त्म करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तमीर और तरक्की और इंसानी आबादियों में दिन ब दिन होता इजाफा सनती आलूगी ट्रैफिक का शोर धुआँ और फसलों पर कीड़े मार दवाओं की सप्रे की वजह से रंग बखेरती तित्रियाँ और जुगनू नापैद होते जा रहे हैं और इन रूमान परवर हशरात की तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है तितलियां वक्त के साथ साथ खाब होती जा रही हैं बीस साल पहले के मुताबिक ये मनाजिर अब कम होते जा रहे हैं और अब हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारी आने वाली नस्ल जुगनों और तितलियों को असली हालत में देख लेगी अगर तितलियों को ख़त्म होने से ना बचाया गया और इनको साजगार पुरान माहौल ना दिया गया तो इनकी बका को ख़तरा है इसीलिए अगर ठोस इकदाम ना उठाए गए तो हमारी आने वाली नस्ल इनकी कहानियाँ और नज़में सिर्फ़ किताबों में ही पढ़ पाएंगी दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और वक्त मुयसर हो सकें अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाज़त अल्लाह निगेबान